तो फ्रेंड अगर आपके पास रियलमी का फ़ोन है और यहाँ पे अगर आप चाहते हो यार कि मैं जो अगर उसमें से डाटा रिस्टोर करूँ, यानी कह सकते हो जो मेरा डिलीटेड डाटा हो चुका है मैं उसको रिस्टोर करूँ और केवल सारा का सारा डाटा मेरा रिस्टोर हो जाए, बस मेरा जो कॉल लॉग है यानी कह सकते हो जिस लोगों से मैं बात किया हूँ, जिनके पास मेरे पास फ़ोन आए हैं या फिर मैंने फ़ोन किए हैं, बस वो जो कॉल हिस्ट्री यानी कह सकते हो जो कॉल लॉग्स हैं वो मेरे क्या ना हो, यहाँ पर रिस्टोर ना हो, बाकायदा जितना का पूरा मेरा डाटा डिलीटेड हुआ है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, यहाँ पर रिस्टोर हो जाए। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा सेट करना चाहता हूँ, तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बहुत आसान तरीके से आप यहाँ पे अपने कॉल लॉग को छोड़कर सारा का सारा डाटा कैसे रिस्टोर कर सकते हो अपने रियलमी फोन में, बहुत सिंपल है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सपोर्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप अपने रियलमी फ़ोन में अपनी जो कॉल लॉग है अगर वो डिलीट कर चुके हो और आप चाहते हो यार कि अगर मैं अपने फ़ोन को दोबारा से रिस्टोर करूं तो जो मेरा कॉल लॉग है यानी कह सकते हो जहां जहां मैंने लोगों को कॉल किया है वो मेरा दोबारा से क्या ना हो, मेरे दोस्त यहां पे पूरी तरीके से कह सकते हैं दोबारा से रिस्टोर ना हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे बहुत आसान तरीके से फ्रेंड क्या कर सकते हो, ऑटो बैकअप अपने कॉल लॉग के लिए क्या कर सकते हो फ्रेंड, बंद कर सकते हो। कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है फ्रेंड। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। और सबसे पहले मेरे दोस्त आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि बहुत सिंपल वे में मैं आपको यहां पर बताऊंगा, आपको वीडियो शुरू से लेकर पूरे एंड तक देखना है तभी जाकर आपको समझ में आएगा और स्टेप बाय प्रोसीजर करना है। आपको सिंपली क्या करना है, सेटिंग पर चले जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा फ्रेंड। आपको यूजली क्या करना है, सबसे नीचे की ओर आ जाना, नीचे की ओर आपको यहां पर एडिशनल सेटिंग पर चले जाना है। देखिए यहां पर होता क्या है कि हर एक रियलमी फोन्स में जो आपको ऑप्शन होते हैं फ्रेंड वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए आपको सर्च कर लेना है। यूजली आपको एडिशनल सेटिंग पर चले जाना है। एडिशनल सेटिंग पर जाने के बाद सिंपली आपको सबसे नीचे की ओर आना है और यहां पर लिखा हुआ है बैकअप एंड रीसेट, सिंपली आपको बैकअप एंड रीसेट पे आ जाना है और यहाँ पे सबसे ऊपर की ओर देखने के लिए मिला हुआ क्या, बैकअप एंड रीस्टोर, सिंपली आपको यहाँ पे टैप कर देना। जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ क्लाउड स्टोरेज, सिंपली आपको यहाँ पे टैप कर देना है। जैसे आप यहाँ पर टैप कर दोगे तो फ्रेंड आपको देखने के लिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पर देखने के लिए मिल रहा होगा क्या, डाटा टाइप्स फॉर बैकअप। फ्रेंड आपको सिंपली क्या कर लेना है, यहाँ पे इसको टैप कर देना। जैसे आप यहाँ पे टैप कर दोगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे लास्ट में है वो कॉल लॉग भी है। क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे कॉल लॉग भी है। आपको सिंपली क्या कर देना है, इसको बंद कर देना। जैसे आप इसको बंद कर दोगे अब आपको बैक आ जाना है फ्रेंड। अब यहाँ से आप सिंपली क्या कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो बहुत सिंपल वे में। अपने बैकअप सेक्शन पर जाकर यहाँ पे आपके जो कॉल लॉग है वो सिंपल वे में बैकअप नहीं होगा और सारा का सारा जहाँ पे आपका टिक लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, बैकअप हो जाएगा यूजुअली। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।